करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागनी स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टि गणेश चतुर्थी के जैसा दिन भर उपास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। इस पर्व की महिमा हमारे पौराणिक कथाओं में भी बताया गया है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, भान, इस तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बताया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण की लड़की ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं, पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से नहा रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखाया गया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल गया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगे। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख ना देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर के चौथ का व्रत नियमित पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्रियों को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सहकुशल मनवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक तथा 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागनी स्त्रियां आजीवन रखना चाहते हैं, वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागनी स्त्रियां अपने सुहागन की रक्षा के लिए इस व्रत का पालन करें।